मैम 6154। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। हाँ सर, कर लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। अनुभव, हेलो। मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है बेटा, इसी के लिए काम किया था। ठीक है, सो 43.84 का हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। देखिए करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल स्टैंडर्ड प्लेस पे लाने के लिए हमें 1 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1। पता लग गया? क्योंकि जब मैं इसको शिफ्ट करती तो मैं इसको 1 पॉइंट करके लिखती ना, फिर उसके बाद मैं 43 को 8 और 4 के नीचे लिखती, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1। सेकेंड पार्ट देखिए, 538.6, इसका करेक्टरिस्टिक बताइए क्या होगा? टू टू हाँ, क्योंकि डेसिमल को 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। सेवन वन टू फोर ट्रिपल जीरो, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? वन मैम सिक्स सिक्स टू थ्री फोर फाइव मैम सिक्स, यस 6 प्लेसेस, तो 6 आ जाएगा। यस, फोर्थ पार्ट करते हैं। 9.876, जीरो। मैम ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक होगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 1st पार्ट 0.01205, इसका करेक्टरिस्टिक बताइए। फोर नहीं बेटा, ये यहां से 1 के बाद आएगा, तो इसने 2 प्लेसेस शिफ्ट किया, और क्योंकि इस साइड से करा तो मैंने बताया था -2 आएगा, लेकिन हम -2 नहीं लिखते, हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट बताइए। 0.00064, मैम फोर 2 बार, बार एम फोर बार। हाँ, तो 1 2 3 4, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 4 बार। राइट, थर्ड पार्ट करते हैं। 0.00, कितने जीरोज हैं इसमें? 3 4 5, 3 4 5, बताइए इसका क्या आएगा करेक्टरिस्टिक? मैम सिक्स सिक्स बार टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ तो ये आएगा 6 बार। फोर्थ पार्ट करते हैं। 0.00, 8 0। अच्छा ठीक है, इसका क्या आएगा करेक्टरिस्टिक? नाइन बार नाइन बार। हाँ ठीक है, अब समझ में आएगा करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना था। ये तो तुम्हें वैसे मैंने कल भी बता वैसे दिया था। मेंटीसा नहीं है ना, वैसे मेंटीसा नहीं है हाँ, ना। अभी अभी उसने मेंटीजा पूछा नहीं है हमसे, है ना, तो इसलिए भी मेंटीजा वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यू हैव टू फाइंड द मिंटीजा। ओके मैम। सो फर्स्ट मैम पार्ट फाइव है सिक्स 36.7, ठीक है, 36.7 में नंबर बार होगा आ नंबर। नहीं, अब आपको मेंटीजा वाला पार्ट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? आप मैम थर्टी पहले सिक्स इसकी को लॉग वैल्यू। टेबल में, 36 को 7 के नीचे देखिए, लिखा हुआ है ना, यूजिंग लॉग टेबल फाइंड द मेंटीजा। 36 को 7 के नीचे देख के बताइए क्या आ रहा है। 5 6 4 7 5 6 4 7। हाँ, तो बस आप सिर्फ मेंटीजा, क्योंकि उसने हमें सिर्फ मेंटीजा का पार्ट पूछा है, तो हम बस वो लिख देते हैं, तो वो आएगा 5 6 4 7। बट अदरवाइज अगर हम इसको पूरा ठीक से लिखेंगे तो ये 1 प्लेस इधर शिफ्ट होता, तो 1 पॉइंट 1.5647 होता। यस यस, मैम। ठीक है। हाँ, सेकेंड पार्ट देखेंगे फिर से। 5 9 8 4, अब आपको क्या करना है, 59 को 8 के नीचे देखना है,
देख के बताइए क्या वैल्यू आएगी 59 को 8 के नीचे. ठीक है, अब आप क्या करिए, मीन डिफरेंस टेबल में 4 के नीचे देखिए. मैम 3 इस 3 को इससे प्लस कर देते हैं. मैम 7770 तो इसका आंसर आएगा 7770. ठीक है चलिए. मैम वैसे तो इसका वैसे होना चाहिए ना, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए ना मैम. तो कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लो, लेकिन उन्होंने अभी हमें सिर्फ सिर्फ मेंटीजा का पार्ट पूछा है, तो मैं लिख देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक. वो होगा 3 पॉइंट. यस मैम. ठीक है चलिए थर्ड पार्ट करते हैं 6.2. इसमें अब आप 62 को 0 के नीचे देखिए. 7924. ठीक है, 0 पॉइंट लगाया मैंने क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्लेस पे है. फोर्थ पार्ट करेंगे 0.0135. बताइए इसमें अब आपको 13 को 5 के नीचे देखना है. 1303. और डेसिमल को स्टैंडर्ड प्लेस पे लाएंगे तो आगे क्या आएगा, 2 बार. मैम 2.1303. हाँ, 2 बार आएगा. यस मैम, 2 बार. टू नहीं आएगा. फिफ्थ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 0.00. कितनी जीरोज हैं? 7 लग रहे हैं ना? फोर्थ का बुक में शायद आंसर रॉन्ग दे रखा है. yes, अभी देखते हैं. चलो देखते हैं, कोई बात नहीं. 2, 4, 5, 6, 7 है. ठीक है बताओ, अब इसमें आप 80 को 0 के नीचे देखो. मैम 80 में 9031. हाँ तो ठीक तो दिया हुआ है आंसर. मैम इसका नहीं, एक ऊपर जो फोर्थ वाला करा है. हाँ ठीक तो किया तुमने 1303. मैम ये तो सही करा है, बुक में आंसर दे रखा है 0.13. क्योंकि मैं तुम्हें बता तो रही हूँ, उसने क्वेश्चन में सिर्फ मंटीजा पूछा है. अब मैं तो आपको आगे कैरेक्टरिस्टिक लिख के दे रही हूँ, लेकिन उसने कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा, अभी सिर्फ मंटीजा पूछा था, इसीलिए वो 0 पॉइंट रखे मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, सो अभी हो गया 9. पेपर में दोनों पूछेंगे ना. हाँ ठीक है, 9031 हो गया. अब अगर मैं इसका आगे वाला पार्ट लिखूं, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट लिखूं, तो वो क्या होना चाहिए? 7 पॉइंट बार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 होगा बेटा, 8 बार होगा. यस मैम. यस मैम. राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका. सेकंड पार्ट 0.7824. मंटीजा बताना है इसका. 78 को 2 के नीचे. हाँ देखिए क्या वैल्यू आएगी. 8927. दो अलग अलग वैल्यू आएगा मैम. 8932. अब इसमें 4 ऐड करो, क्या मेन डिफरेंस में 4 के नीचे. मैम 8936. मैम 8936. नहीं, पहले आप मीन डिफरेंस टेबल में बताओ 4 के नीचे क्या आ रहा है. मैम 2 ऐड होगा. अच्छा 2 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 8936. यस 8934 हो जाएगा ये. ठीक है, तो अभी मैं 0 पॉइंट की लिख देती हूँ. नेक्स्ट बताइए थर्ड पार्ट. पहले मुझे 5 के नीचे बताइए क्या वैल्यू आ रही है. 3 आ रही है, तो फिर ये हो जाएगा 9199. मैम ये इसने गलत बताई है वैल्यू. 9201 है.
एक सेकंड मैम, इसकी वैल्यू 9201 आई हुई है। मैम यस 9201 है, मैम जीरो के नीचे देखा था, सॉरी मैम। अब बताओ मैं क्या वैल्यू लिखूं इसके, मुझे वैल्यू बताओ उसके। मैम 9203, 92। और मीन डिफरेंस का क्या है? 3। अच्छा ये वैल्यू थी 9023 और मीन डिफरेंस 3 था। 9201 है तो 9204 हो गई इसकी वैल्यू। चलिए ऑडियो बंद करिए अपना, नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 9.876, 98 को 7 के नीचे वैल्यू चेक करिए। मैम 9943। अब इस 6 मीन डिफरेंस में 6 को देखिए। 3 इसमें 3 ऐड कर दीजिए। यस सो 9946 आ गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्लेस पे है। हाँ बोलिए। मैम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं मैम, मगर एग्जाम में लॉगरिथमिक टेबल तो देनी होगी तो मैम हम क्या देंगे? मिलेगा मिलेगा, लॉग टेबल मिलता है, साइंस के स्टूडेंट्स को भी मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में लॉग टेबल मिलता है। ठीक है ओके मैम। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट यूजिंग लॉग टेबल्स। ठीक है फर्स्ट पार्ट है लॉग 6। अब आप कैरेक्टरिस्टिक मंटीजा सब अपने आप देखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था लॉग 6 नहीं होता है, तो आपको 60 को 0 के नीचे देखना है। 60 को 0 के नीचे देख के बताइए क्या वैल्यू। 7782। ठीक है और डेसिमल तो हमें दिख ही रहा है 6 के बाद ही होगा ऑब्वियसली, तो वो स्टैंडर्ड प्लेस पे है तो 0.7782। ठीक है सेकंड पार्ट करते हैं लॉग 30। पहले तो बताइए कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। यस क्योंकि वन प्लेस शिफ्ट होगा तो 1 पॉइंट। अब 30 को 0 के नीचे देखिए। 4771। सो दिस इज द वैल्यू राइट। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट लॉग 76। फिर से इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा क्योंकि वन प्लेस शिफ्ट होगा ये तो 1 पॉइंट। ठीक है अब 76 को 0 के नीचे देखिए। 8808। सब लोग टेबल से देख रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, अपना ऑडियो बंद करो। लॉग 8.39। करेक्टरिस्टिक बताइए। जीरो 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 पॉइंट। अब 83 को 9 के नीचे देखो। 9238। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फर्स्ट पार्ट। आपने ऐड नहीं किया, आपने ऐड नहीं किया? नहीं जरूरत ही नहीं थी, फोर्थ डिजिट नहीं है ना हमारे पास, वो तो फोर्थ डिजिट होती तभी तो ऐड करते हैं। लॉग 563.7। अब आपको क्या करना है 56 को 3 के नीचे देखना है। 7505। अब मीन डिफरेंस में 7 के नीचे 5। ये 5 इसमें ऐड कर दीजिए। 7510। यस 7510। करेक्टरिस्टिक बताइए। टू यस
2.7510. चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट. लॉग 0.0007. सेवेंटी को जीरो के नीचे देखते हैं. हाँ फोर बार आ गया. फिर सेवेंटी को जीरो के नीचे. ठीक है. यस मैम. थर्ड पार्ट लॉग 0.4 जीरोज़ हैं. 2591. करेक्टरिस्टिक बताइए. मैम फाइव बार. ठीक है. 25 को नाइन के नीचे देखिए. 4133. एंड मीन डिफरेंस 1. 2. ठीक है. इसको ऐड करिए. 4135. राइट. फोर्थ पार्ट करते हैं. 0.00. कितने जीरो हैं? 2 to 4. 7 zero हैं. बताइए. 73 को 2 के नीचे. 8 बार. ठीक है. अब 73 को 2 के नीचे देखिए. 8645. मेन डिफरेंस 8645. 2 इसमें ऐड. 8647. 8647. ठीक है. ठीक है. चलिए अब क्या है. नाउ वी हैव टू सी एंटीलॉग टेबल. एंटीलॉग क्या होता है? जब हम किसी भी कैलकुलेशन को लॉग टेबल से देख के सॉल्व करेंगे तो हमें उसके बाद उस लॉग को रिमूव भी करना पड़ेगा. उस लॉग को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीलॉग देखते हैं. ठीक है. लिखिए एंटीलॉग क्या होता है. लिखो इफ log x is equals to y, then x is called antilog of y. This x is called antilog of y. तो हम लिखते हैं x is equals to antilog y. अब आप एंटीलॉग का टेबल एक बार देखिए. आप लोगों के पास लॉग टेबल के पीछे एक एंटीलॉग का टेबल होगा. यस मैम. यस. ठीक है. उस टेबल में देखिए सारी वैल्यूज पॉइंट से स्टार्ट हो रही होंगी. यस मैम. यस मैम. और फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू क्या है टेबल में? स्टार्टिंग क्या है? जीरो से स्टार्टिंग. ठीक है. ठीक है. तो उसके बाद सब डेसिमल ही चल रहा होगा. एंटीलॉग की सारी वैल्यूज डेसिमल के बाद वाली होती है. क्यों होती है? क्योंकि आप जब लॉग देखते हैं, लॉग देखने के बाद आप जब अपना मेंटीजा वाला पार्ट लिखते हैं वो हमेशा डेसिमल के बाद लिखते हैं. इसका मतलब है अब हमें उस मेंटीजा वाले पार्ट का एंटीलॉग देखना है तो ऑब्वियसली एंटीलॉग की सारी वैल्यूज जीरो पॉइंट मतलब पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही होंगी. ठीक है. जो तुमने आगे करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट लिखा है लॉग टेबल देखते वक्त, जो करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट था डेसिमल से पहले, ठीक है, वो अब आपका बाद में एंटीलॉग देखने के बाद ये डिसाइड करेगा कि आपका डेसिमल किस प्लेस पे जाके लगेगा. समझ में आ गया? करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट ये डिसाइड करेगा कि डेसिमल कहाँ लगेगा, और मेंटीजा वाला पार्ट जो है वो आप एंटीलॉग टेबल से देख के उसका उसको आप मतलब उसका लॉग आप रिमूव करेंगे. सो हम कैसे देखते हैं? अब आप एंटीलॉग का टेबल निकाल लीजिए अपना. इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. इवैल्यूएट यूजिंग एंटीलॉग. टेबल टू फाइंड एक्स. सो फर्स्ट पार्ट इज लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, सेवेंथ है. ठीक है. log x is equals to 1.3649.
तो क्योंकि इसके आगे log x लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे इसका log हटाने के लिए एंटी log चाहिए. तो आप क्या करेंगे, आप 0.36 को एंटी log टेबल में 0.36 को 4 के नीचे देखिए. 2312. अब उसी के मीन डिफरेंस में 9 के नीचे देखिए क्या वैल्यू है. 5. ये 5 इसमें ऐड कर दीजिए. टू थ्री वन सेवन आ गया. यहाँ पर सिर्फ x लिख दीजिए क्योंकि log हट गया. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपना ऑडियो ऑडियो रिमूव, अपना ऑडियो बंद करिए. अब आप क्या करेंगे, ये जो इसका आगे का कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो था 1. इसका मतलब ये है कि आपका डेसिमल जो है वो स्टैंडर्ड प्लेस से 1 प्लेस शिफ्ट होगा. तो स्टैंडर्ड प्लेस तो ये थी, ये मैंने ब्लू कलर से दिखाई आपको डॉट करके, इससे 1 प्लेस ये शिफ्ट हो जाएगी. तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 23.17. समझ आ गई मेरी बात. ये इसका आंसर है 23.17. ठीक है, सो करेक्टरिस्टिक ने डिसाइड किया कि डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा. तो 1 प्लेस स्टैंडर्ड पे तो 2 के बाद होना चाहिए था वो, लेकिन 1 प्लेस शिफ्ट करना है तो फिर वो 23.17 हो जाएगा. राइट, एक और करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. हमें दिया है log x is equals to 2.5179. सो log रिमूव करने के लिए एंटी log का टेबल देखिए, 51 को 7 के नीचे. 3289. ठीक है, now look at the mean difference below 9. That is plus 7. So this comes out to be 3296. Now tell me where should I put the decimal? Ma'am, after 3299.6. Yes, because 2 will decide about the place of decimal. So after standard place, we will shift 2 places. So I'll get 3299.6. ठीक है, ओके मैम. चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका. log x is equals to 4.8291. मैम 6745. 82.82 को 9 के नीचे देखेंगे तो क्या 6745. Now look at the mean difference 1. 2. 67. Audio बंद कीजिए. 6747 हो गया ये. ठीक है, डेसिमल बताइए कहाँ जाएगा. मैम आफ्टर 4. 6747.0. हाँ, सो 1, 2, 3, 4 इसके बाद एक जीरो आएगा फिर डेसिमल आएगा. तो इसका आंसर होगा 67470. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट, log x इज इक्वल्स टू 2 बार 0.4567. तो x इज इक्वल्स टू 45 को 6 के नीचे चेक करिए. 2858. मीन डिफरेंस 7. 5. प्लस 5 करिए. सो ये हो गया 2863. ठीक है, अब डेसिमल, जो डेसिमल से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो 2 बार है. सो 2 बार सिग्निफाइज द डेसिमल फ्रॉम स्टैंडर्ड प्लेस विल शिफ्ट टू द अदर साइड. यस मैम. 0.02. 1, 2. तो यस 0.02.
हाँ वही 0 पॉइंट बोला आपने, एक ही बात है, 0.02863 राइट. सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 4 बार 0.6501. 0.65 को जीरो के नीचे चेक करिए, 4467. और इसमें मीन डिफरेंस 1 देखिए, 1, तो 4468 हो गया. डेसिमल बताइए कहाँ पे आएगा मैम, 0.0004. यस, 4 प्लेसेस इधर जाना था, तो 0.0004468. इसका लास्ट पार्ट, -2.1304. 0.13 को 0 के नीचे चेक करिए, 1349. 4 के नीचे चेक करिए, 2. 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, 1351. माइनस 2 है मैम, 1 आ रही है इसकी वैल्यू, 2 नहीं आएगी, तो फिर ये हो जाएगा 1350. डेसिमल डिसाइड करिए मैम, माइनस 2 का मतलब 2 बार, माइनस 2 का मतलब 2 बार, मैंने कल बताया था आपको मैम, 0.01. अच्छा, इसका बुक में शायद आंसर मुझे गलत दिखाई दे रहा है. एट्थ का थर्ड पार्ट फिर से चेक करिए बेटा, कोई और चेक करो जरा इसकी वैल्यू, 0.13 को 0 और 4 के नीचे. मैम 1349 एंड 1 ही आ रहा है, तो फिर बुक में गलत दिया हुआ है, 1350. हाँ तो हाँ, 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 0.01. हाँ 0.01350. Now let's do question number 9. 9 का पहले हम second part करेंगे, थोड़ा easy है वो पहले आपके लिए. You have to solve 57.8 की power 1/2 into 0.0027 की power 1/3. आपने इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है? तो ये तो अंडरस्टूड है कि आप इसका अंडर रूट. हाँ बोलिए. मैं आपने तो पहले कराया ना अभी. हाँ. तो उसका मेथड अलग है. क्या अलग मेथड है? हाँ उसका बिल्कुल. हाँ क्या मेथड अलग है बताओ. एक सेकंड मैम, इसके अंदर मैम हमें क्या करना होगा, एक बार प्लस 3 करना होगा, माइनस 3 करना होगा. एक्चुअली वो माइनस 2 है ना, तो हमें उसको रिमूव नहीं, वो रुको मैं आपको बताती हूँ. माइनस 2.1304 था, ठीक है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है? अब इसमें हम एक प्लस 3 तो नहीं करेंगे, हम 3 क्यों करेंगे, हम 1 ऐड कर लेते हैं.
ठीक है, माइनस थ्री अलग हो गया. हमने क्या किया, हमने इसका करेक्ट, अब इसमें हम वन को ऐड कर देंगे, राइट. अब लेकिन अगर आपने बेटा अगर ऐसा देखा तब भी देखे, आपको वैल्यू तो पॉइंट वन थ्री को जीरो और फोर के नीचे तो देखोगे. नहीं मैं आप थ्री को मैं प्लस थ्री और माइनस थ्री करिए एक बार. माइनस टू प्लस जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो फोर, प्लस थ्री और माइनस थ्री किया. यस मैम. तो मैम थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू वन होता है. मैम ये बचेगा जीरो पॉइंट, आपने सिर्फ ब्रेक कराया ना, सिर्फ ब्रेक नहीं करना है, आपने माइनस टू प्लस जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो पर ब्रेक कराया ना. तो मैम इसे थ्री माइनस जीरो थ्री माइनस टू पॉइंट वन थ्री जीरो फोर करना है. एक ही बात है, तुम चाह रहे हो कि हम इस हम थ्री में से 0.1304 माइनस कर दें. नहीं मैम 2. पॉइंट हाँ यस मैम. मैम अब आ जाएगा 2.8696 आ गया माइनस में. अब ये माइनस वन पॉइंट हो जाएगा, पर वो तो हो ही नहीं सकता कभी भी. करेक्टरिस्टिक अगर माइनस में है तो हम उसको प्लस में से उसको माइनस ही नहीं कर सकते हम. हमें इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा. पॉइंट एट्टी सिक्स को नाइन और सिक्स के नीचे देखना जरा. पॉइंट एट्टी सिक्स को नाइन और सिक्स के नीचे. मैम सेवन थ्री नाइन सिक्स. और सिक्स ऐड करो, सिक्स का मीन डिफरेंस मैम टेन. टेन है तो ये हो जाएगा सेवन फोर जीरो सिक्स और वन बार था साथ में. मैम इसमें ऊपर प्लस थ्री माइनस थ्री क्यों लिया? अभी एक्चुअली क्या था ना, अभी ये वाला जो प्रोसीजर है मैं आपको भी क्वेश्चंस करते ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करती. अभी यहाँ तक इसका कोई यूज नहीं था. ये कोई जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू यही आए ऐसा कोई, वैसे क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, इसने बार नहीं लगाया था, इसने यहाँ पे माइनस टू लगाया हुआ था. तो माइनस टू लगाने का मतलब ये होता है कि हमें इस करेक्टरिस्टिक को इस मंटीजा से पहले सेपरेट करना पड़ेगा. अब हम इसको जब इससे सेपरेट करते तो उसके बाद हमें जो है इसमें कुछ ऐसा प्लस या माइनस करना पड़ेगा कि ताकि हम इसको इसके बड़े नंबर के साथ माइनस कर सके. इसीलिए हमने इसमें प्लस थ्री और माइनस थ्री कर दिया. प्लस थ्री और माइनस थ्री करने से फिर हमने थ्री में से इसको सब्ट्रैक्ट किया. मतलब हमने